सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बेहद ही बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाकर IED धमाका किया। वही सूचना मिलने के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को रवाना कर दिया है। वही मृतकों में DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर भी शामिल है। उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में DRG गाड़ी को IED के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन IED के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। तो वही दंतेवाड़ा नक्सली हमले से पूरा प्रदेश शोक में डूब गया है। बता दें कि इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए। वही नक्सलियों के इस कायराना हरकत की हर ओर निंदा भी की जा रही है। वही इस मामले पर CM भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए दुख जताते हुए कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दंतेवाड़ा में नक्सलाइट हमला किया गया, इस दौरान 10 जवानों के साथ एक ड्राइवर की मौत की भी खबर है, यानी कि सबके शहीद होने की भी खबर है। वहीं से पूरे मामले को लेकर CM भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये वही दंतेवाड़ा है जहां पर बीते कई सालों से अक्सर नक्सलाइट द्वारा हमले किए जाते हैं और जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें, इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो IED ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं, 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े स्कूल में 10वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष और मदरसा बोर्ड के सदस्य अनवर खान सम्मिलित हुए हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अनवर खान ने कहा कि बच्चों को अब अधिक परिश्रम की जरूरत है, क्योंकि आगामी कक्षाएं बच्चों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होंगी। वहीं इस दौरान स्कूल में प्रदर्शित विज्ञान प्रदर्शनी का प्रत्येक स्टॉल में जाकर अवलोकन किया और बच्चों से एक एक कर इसके बारे में बारीकी से जानकारी भी हासिल की। महासमुंद जिले के पिथौड़ा ब्लॉक के कंचनपुर में सेल्समैन द्वारा मनमानी करते हुए गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न योजना में भारी गड़बड़ी कर गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है और शासन से निर्धारित मात्रा से कम चावल दिया जा रहा है। वह इस मामले से परेशान ग्रामीणों ने महासमुंद के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर से शिकायत की है। वह इस पूरे मामले में महासमुंद जिले के खाद्य अधिकारी ने बताया कि कंचनपुर में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, जिसके आधार पर खाद्य विभाग जाँच कर रहा है और जाँच रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।
खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले के ग्राम कुआकोंडा में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है। वही इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रिवर्स कर रहा था, तभी इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही बाइक को ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया और बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड के ग्राम पंचायत परपटिया के ग्रामीण आजादी के इतने वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पीने के पानी से लेकर बिजली, सड़क जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण गांव में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ प्रशासन विकास के दावे तो करता है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग गड्ढे और नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। मेरा नाम बसंती लकड़ा है, ग्राम पंचायत परपटिया से, पारा ढठेवा, ढठेवा से है। कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर के पास हम लोग बिजली और पानी और सड़क निर्माण के मांग के लिए आए हैं। पानी की कैसी समस्या है? पानी का समस्या अभी सर, हम लोग जैसे गैया पीता है उसी में का हम लोग पीते हैं, घोंघट रहता है, घोंटो जैसे बोलते हैं, और बरसात के दिन में उसी में बाढ़ उतरता है, उसी पानी को हम लोग थोड़ा वो कम होता है तो उसी को ला के पीते हैं। हैंडपम्प हम लोग के यहाँ नहीं है। बिजली, बिजली लाइन है, डुप्लीकेट सामान लगा दिए हैं। मेन पार्ट के परपटिया से कुछ ग्रामीण आए हुए थे, सड़क और बिजली की पूरी सुविधा की मांग कर रहे थे, उस पर क्या दिशा? परपटिया उसको हम लोग अगले 10 दिनों में हम लोग एक शिविर करने वाले हैं, वहाँ पर सारे अधिकारी हम लोग जाएंगे और वहाँ की जो भी मूलभूत समस्या है उसका निर्णय वहीं पे हम लोग जानने का प्रयास करें उनकी क्या समस्या है। और बारिश के समय में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, तो अभी हम लोग बारिश के पहले एक बार जाके उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, सुनेंगे भी, और पूरे दिन भर पूरा प्रशासन वहीं पे रहेगा। सर खास समस्या हमारा पानी नहीं है और लाइट नहीं है, लाइट तो लगा है बाकी नहीं जलता है, डुप्लीकेट सामान लगा है, उसलिए मतलब तो हैंडपम्प नहीं है। कब से नहीं है? बहुत दिन से कभी भाई नहीं लगा। शिकायत किए थे कई बार पंचायत में, बाकी कहाँ का पानी पीते हैं? नाला के पीते हैं। और क्या समस्या है? और रोड है, रोड नहीं है, हमन पानी का दुख में है। पानी और बोरिंग, पानी नहीं है ना, बोरिंग नहीं है ना, रोड नहीं है, बिजली कुछ नहीं है। कहाँ का पानी पीता था? हमारे नांदी का लड्ढो पी था। कितना दूर है जाके? ढेर दूर है जाता। कब से ऐसा समस्या है? अरे पानी का दिक्कत में आए हैं। कब से समस्या है पानी के? ढेर दिया, जे दिन ले बासे न वही दिन का रहा। आज तक पानी नहीं मिली? वही दिन ले नहीं मिलता है। क्या समस्या लेके आया, कहाँ आया? जी साहब, मैं समस्या ये लेके आए हूँ कि गाँव में बिजली हर नहीं जलाते ढंग से, और वो बिजली हर चाहे 2 दिन में 1 दिन चले तो फिर उहार हो जाते फल्ड, तो फल्ड होने के बाद में इतने मार देते गरु ला, चाहे बछरू ला, चाहे गाय चाहे भैंस, वही समस्या लेकर मैं आया हूँ। पानी की समस्या है? तो पानी कर समस्या है। जगदलपुर में 16 मार्च 2023 से सचिव दल हड़ताल पर है और समस्त सचिवों की एक ही मांग है कि शासकीयकरण किया जाए। इससे पहले भी प्राइम टीवी की टीम द्वारा सचिवों की समस्या को न्यूज के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा सचिव दल को केवल आश्वासन ही दिया गया, जिसके बाद सचिवों ने भूख हड़ताल का सहारा लिया। उनका ये भी कहना है कि वो क्रमिक भूख हड़ताल के समाप्ति के बाद आमरण अनशन पर भी जाएंगे, एवं इसके बावजूद शासन प्रशासन ने अगर सचिवों की मांगे पूरे नहीं की तो वो उग्र रूप से जेल भरो आंदोलन करेंगे। 23 से क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में किया जा रहा है और क्रमिक भूख हड़ताल की समाप्ति के जस्ट उपरांत आमरण अनशन किया जाएगा। उसके बाद अगर इसके बावजूद भी शासन हमारी मांगों को ध्यान नहीं देती है तो वहां पे जेल भरो आंदोलन की तैयारी में कर रहे हैं। परंतु हम लोग अभी 1 माह होने के बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी प्रकार का विचार नहीं करने के कारण 24 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे गए हैं, आए हैं। इसके पश्चात अगर मान लो हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इससे भी अगर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे।
वहीं जगदलपुर के कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना है। कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन बढ़ाने के लिए कॉलेजों में भी शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए और बैठक में कलेक्टर ने विकास कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के विभागीय मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की भी जानकारी देने के दिशा निर्देश दिए हैं। जगदलपुर में मेला मड़ई संस्कृति के केंद्र बिंदु है। इनके बिना ग्राम्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें ग्रामीणों का आभार मनाना चाहिए जिन्होंने शताब्दियों पुरानी बस्तर के आदिम संस्कृति के इस प्रमुख अंग को सहेज कर रखा। वहीं संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद्र जैन ने मंगलवार को बलोरी में आयोजित मेला के दौरान कहा कि राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री श्री कबासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज और समस्त क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो वहीं जगदलपुर में संसदीय सचिव और विधायक रेख चंद्र जैन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आदिवासियों के हित में हमेशा काम करती रही है। वहीं धान खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, जबकि इस मामले में मंगलवार को ब्लॉक के जीरा गांव में संयुक्त वन प्रबंधन समिति मद से निर्मित होने वाले प्राथमिक शाला भवन के भूमि पूजन अवसर पर एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है और इस दौरान जैन ने ग्रामीणों की मांग पर एक टैंकर प्रदाय करने की घोषणा भी की है। खबर जगदलपुर से है जहां कांग्रेस तारतम्य में सांसद बैच की अध्यक्षता में बस्तर विधानसभा में बैठक संपन्न हुई है। इसी क्रम में उन्होंने बस्तर विधानसभा क्षेत्र में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की और मिशन के तहत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊर्जावान एवं राजनीति तथा स्थानीय जन भावनाओं के अच्छी समझ रखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना और उनकी मदद लेना इस मिशन का मुख्य मकसद है। जिले में भारी बारिश से दंतेवाड़ा कुम्हार रास बाईपास पुलिया के बहने से घंटों जाम लग गया। बता दें कि दंतेवाड़ा से किरंदुल रोड निर्माण कार्य चल रहा है और रात भर से भारी बारिश से कई डायवर्जन पुलिस और बह जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। बता दें कि रात से ही दुर्ग रायपुर से बैलाडीला चलने वाले यात्री बस एवं ट्रक सहित कई यात्री जाम में फंसे हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस सहित प्रशासनिक अमला पुल की मरम्मत और जाम खुलवाने में जुटा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।